नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का पांचवा मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस क्विकेआर खेला जा रहा है चेन्नई के चेपोक्के स्टेडियम में। और क्या शानदार मुकाबला है दोस्तों ये। एंड्रे रसल के लिए ये मुकाबला यादगार बन गया है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ बल्ले से नहीं, उनके गेंदबाजी से। ये मुकाबला उनके लिए आईपीएल का यादगार मुकाबला बन गया है। इससे पहले कोलकाता के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत काफ़ी बेकार रही मुंबई इंडियंस की। डिकॉक सस्ते में निपट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक छोर से 36 गेंदों में 56 रन जरूर बनाए, लेकिन कोई और बल्लेबाज शतक या अर्धशतक नहीं बना पाया, जिसके कारण 152 रन ऑल आउट हो गई मुंबई इंडियंस। लेकिन हीरो बन के उभरे दोस्तों एंड्रे रसल अपनी गेंदबाजी से। केवल 2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 15 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिए। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 ओवर की गेंदबाजी की उन्होंने और 5 विकेट ले लिए, और वो भी रसल ने ऐसे टाइम पे आके विकेट लिया जिस समय मुंबई इंडियंस को तेज रहने की जरूरत थी और वो सभी बल्लेबाज छक्के और चौके मारने के लिए जा रहे थे। बात करें तो किरण पोलार्ड का उन्होंने पहला विकेट लिया, उसके बाद कुणाल पांड्या, मार्को जेनसन का उन्होंने तीसरा विकेट लिया, वहीं राहुल चहर का चौथा, वहीं बुमराह का आखिरी विकेट लेकर उन्होंने मुंबई इंडियंस को 152 रन पे ऑल आउट कर दिया। और ये एंड्रे रसल का ही नतीजा रहा कि जहां 200 जाती हुई दिख रही मुंबई इंडियंस की टीम केवल 150 रन पे ऑल आउट हो गई। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है एंड्रे रसल की, और उन्होंने आईपीएल के इतिहास का अपना पहला पंजा खोला है, यानी पहला उनका ये 5 विकेट हॉल है।